तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है सीओसी यानी कि फ्रेंड साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कूलिंग टावर में सीओसी क्या होता है, कितना सीओसी मेंटेन करना चाहिए, और इस सीओसी का अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जमाव। तो देखिए फ्रेंड्स, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब समझने से पहले हम लोग को इस कूलिंग टावर में होने वाले लॉसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि इस कूलिंग टावर में होने वाले लॉस के बारे में, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्रेंड्स इस कूलिंग टावर में मेनली तीन टाइप का लॉस देखने को मिल रहा था, जिसमें पहला है फ्रेंड्स हम लोग का इवेपोरेशन लॉस। यानी कि फ्रेंड्स, इस लॉस के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ अमाउंट में वाटर हम लोग का इवेपोरेट होकर के एयर के साथ बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज हो जा रहा था, जिसके चलते हम लोग का वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा था। तो यह होता है फ्रेंड्स हमारा इवेपोरेशन लॉस। दूसरा होता है फ्रेंड्स हम लोग का ड्रिफ्ट लॉस, या इसको हम लोग विंडेज लॉस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लॉस के अंतर्गत क्या होता था, इस एयर के साथ कुछ अमाउंट में वाटर पार्टिकल्स भी इसके साथ बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था। उस कंडीशन में भी हम लोग का देख रहे थे कि बेसिन का लेवल डिक्रीज हो जा रहा था। एंड हमारा जो तीसरा लॉस था उसको हम लोग बोल रहे थे ब्लू डाउन लॉस। इस लॉस के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे, इस सम्प में जो पानी है इसका पैरामीटर मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, यहां से ब्लो डाउन देते थे और इसका लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग यहां से मेकअप प्रोवाइड कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कूलिंग टावर में जो पहला लॉस है जिसको हम लोग क्या बोले थे, इवेपोरेशन लॉस, इसके अंतर्गत जो यहां से वाटर हम लोग का इवेपोरेट हो रहा था वह क्या है फ्रेंड्स, प्योर वाटर का इवेपोरेशन हो रहा था। यानी जो भी इवेपोरेशन होगा वह प्योर वाटर का इवेपोरेशन होगा। तो जैसे ही पानी यहां से इवेपोरेट हो जाता है तो उस पानी में प्रेजेंट जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, यानी कि चाहे वो फ्रेंड्स हमारा हार्डनेस हो, कंडक्टिविटी हो, जो भी सॉलिड्स पार्टिकल्स है वह क्या होगा फ्रेंड्स, यहीं पे लेफ्ट कर जाता है, यहीं पे छूट जाता है। जैसे ही यहां से पानी हम लोग का इवेपोरेट होता है और एटमोस्फियर में जैसे ही रिलीज होता है तो इस पानी में मौजूद जो इम्प्यूरिटीज है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वह यहीं पे ट्रैप हो जाता है, वहीं पे छूट जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का इस पानी के अंदर इंक्रीज होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग का जो ठंडा पानी है इसको हम लोग भेजते हैं कहां पे, कंडेंसर में, और कंडेंसर से आउट होकर के जो पानी है फिर से हम लोग का कहां पे आता है, तो ये आता है कूलिंग टावर में। फिर से यह क्या होगा फ्रेंड्स, कंटिन्यू एक साइकिल में सर्कुलेट करते रहता है और यहां पे जो इवेपोरेशन लॉस है वह कंटिन्यू चलते रहता है। तो फ्रेंड्स, जितना पानी यहां से हम लोग का इवेपोरेट होगा उतना इसका लेवल डाउन होगा। तो इसका लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां से मेकअप वाटर प्रोवाइड करते हैं। इस कूलिंग टावर में यहां पे कंटिन्यूअस इवेपोरेशन की वजह से यहां पे क्या होगा, प्योर वाटर इवेपोरेट होगा। तो इस वाटर में मौजूद जो भी सॉलिड पार्टिकल है वह क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे धीरे धीरे एक्युमुलेट होगा। यानी कि फ्रेंड्स, इस सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही यहां पे सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि फ्रेंड्स, इस पानी का अगर हम लोग कंडक्टिविटी चेक करेंगे तो इसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। जो टोटल हार्डनेस है फ्रेंड्स, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज, इसका मतलब कि जो टोटल हार्डनेस है वह भी इंक्रीज होगा। यानी कि फ्रेंड्स, इस पानी का जो हमारा पीएच वैल्यू है वह भी इंक्रीज होगा। हम लोग देखें कि इस कूलिंग टावर में कंटिन्यूअस इवेपोरेशन की वजह से जो हम लोग कूलिंग वाटर कलेक्ट हो रहा है, इस बेसिन में जो कलेक्ट हो रहा है, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा है, इसका टोटल हार्डनेस इंक्रीज हो जा रहा है और इसका पीएच भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो किससे इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, तो जो मेकअप वाटर हम लोग यहां से प्रोवाइड करते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, अगर मेकअप वाटर का कंडक्टिविटी देखेंगे तो इससे क्या होगा, कम होगा, और इसका पीएच देखेंगे तो पीएच भी कम होगा, और फ्रेंड्स इसका टोटल हार्डनेस देखेंगे तो इनलेट जो हम लोग का मेकअप वाटर है इसका टोटल हार्डनेस भी कम होगा। तो यहां पे कैसे इंक्रीज हो जा रहा है, तो कंटिन्यूअस इवेपोरेशन की वजह से यहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं।
तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया है फ्रेंड्स, वाटर फिल्ड किया है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वाटर है और इस वाटर का इवोपरेशन हो रहा है, तो इवोपरेशन होगा तो पानी क्या होगा फ्रेंड्स, एटमोस्फियर में उड़ेगा, तो इसका धीरे धीरे क्या होगा, लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। एक और यहां पर कंटेनर बना दे रहा हूं, ठीक है, और इस कंटेनर में मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा टोटल ये जो पानी है पूरा इवोपरेट होकर के हमारा पूरा खाली हो जाएगा। तो जब हम लोग देखेंगे, जैसे खाली होगा तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि इस कंटेनर के नीचे क्या होगा, कुछ यहां पे सॉलिड पार्टिकल यहां पे एक्युमुलेट आपको दिखेगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी देख सकते हैं, अपने घर में भी एक कंटेनर लीजिए, उसको गैस पे जला के देखिए फ्रेंड्स, उसका पानी जैसे ही इवोपरेट होता है तो उस बर्तन के नीचे आप लोग देखे होंगे लाल लाल कुछ निशान टाइप का बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस कंटेनर में जो आपको रेड रेड निशान दिख रहा है यह क्या है फ्रेंड्स, इस पानी में मौजूद जो सॉलिड पार्टिकल है वही यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। जो प्योर वाटर है वह तो इवोपरेट हो गया और इस वाटर के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वह हम लोग का इधर सेटल डाउन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहां से पानी इवोपरेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मेकअप करेंगे, यानी यहां से कैसे हम लोग मेकअप वाटर करते हैं, तो फिर से इसका हम लोग लेवल क्या करेंगे, भर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेकअप वाटर यहां पे दे रहे हैं, तो इस मेकअप वाटर के अंदर अब फिर से जो इंप्यूरिटीज है वो तो रहेगा ही, फिर से अगर यहां पे कंटिन्यूअस इवोपरेशन होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से यहां पे देखेंगे कि एक लेवल फिर से हम लोग का एक इंप्यूरिटीज का यहां पे लेयर चढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला यहां पे देखिए हम लोग का इंप्यूरिटीज क्या था, कम था, लेकिन यहां पे इवोपरेशन होने की वजह से इंप्यूरिटीज इंक्रीज हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि एक कंटेनर में जो पानी है पूरा इवोपरेट हो गया, उसके बाद हम लोग फिर से क्या किए, उसके अंदर पानी भर दिए, फिर से उसका इवोपरेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स जो इस पानी के अंदर जो इंप्यूरिटीज है वह जो सॉलिड पार्टिकल है वह क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे देखेंगे कि इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है, इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो सीधे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद यहां पर देख रहे हैं तो इसका इंप्यूरिटीज भी क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक बार पानी जैसे खत्म हो गया दोबारा हम लोग इसका पानी मेंटेन किए, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल। और फ्रेंड्स कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि यह जो आपको रीड वाला जो जमाव दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंप्यूरिटीज का कंसंट्रेशन, यानी यहां पे जो इंप्यूरिटीज है जो सॉलिड पार्टिकल है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी उसका जमाव इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस कूलिंग वाटर के अंदर जो इंप्यूरिटीज है उसका भी एक अलाउेबल रेंज होता है, इससे ज्यादा इंप्यूरिटीज का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस कूलिंग वाटर को हम लोग कहां भेजते हैं, एक पंप के माध्यम से हम लोग भेजते हैं फ्रेंड्स कंडेंसर में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जहां पर मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं और उस ट्यूब्स के इनसाइड में यह पानी हम लोग का सर्कुलेट करता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यह पानी हम लोग क्या है, पूरा इंप्यूरिटीज है, पूरा इसके अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही यह ट्यूब के अंदर जाएगा तो उस ट्यूब को क्या करेगा, धीरे धीरे जाम कर देगा, उसके अंदर क्या होगा, इस इंप्यूरिटीज की वजह से वहां पे एक स्केलिंग प्रोवाइड होगा। इस पानी की वजह से जैसे वहां पे स्केलिंग होगा तो कंडेंसर का जो कैपेसिटी है वह भी डिक्रीज होगा और फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो हम लोग का ट्यूब है उसको भी डैमेज कर देगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का कंडेंसर का ट्यूब डैमेज ना हो, वहां पर स्केलिंग ना हो, वहां पर उसका कैपेसिटी डिक्रीज ना हो, उसके लिए हम लोग इस पानी का पैरामीटर मेंटेन करते हैं कि इससे ज्यादा हमारा इंप्योर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस पानी का पैरामीटर मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं कि इसका TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना है, क्लोराइड कितना है, pH कितना है, ये सारा पैरामीटर हम टेस्टिंग करके हम लोग एक प्रिडिक्ट करते हैं कि इससे ज्यादा इसके अंदर इंप्यूरिटीज नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड्स जो मेकअप वाटर दे रहे हैं इसका अगर TDS की बात करेंगे तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसका TDS कितना है, 250 ppm है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोवाइड कर देते हैं कि इस पानी के अंदर जो TDS होना चाहिए फ्रेंड्स वह हमारा 1500 से ज्यादा TDS नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा फ्रेंड्स, हम लोगों का जो ट्यूब है उसको डैमेज करेगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इसका TDS कितना है, 250 है और इसका TDS कितना है, 1500 है, तो यह TDS क्यों इंक्रीज किया, यहां पे 250 है तो यहां पे 1500 क्यों हुआ, तो यहां पे कंटीन्यूअस इवोपरेशन की वजह से इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल का जमा हुआ कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इसलिए इसका TDS इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। तो साइकिल का मतलब आप यहां पर समझ गए, कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर जो जमा हो रहा है उसको समझ लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग COC निकाल के देख लेते हैं। तो COC इक्वल टू होता है फ्रेंड्स कि यह जो हम लोग का कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर का TDS
और डिवाइड कर देना फ्रेंड्स इस मेकअप वाटर का टीडीएस से, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है फ्रेंड्स, कूलिंग वाटर का कितना है 1500 और डिवाइड कर देना है इसका मेकअप वाटर का 250, तो इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लगभग हम लोग का 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा हमारा, सीओसी, यानी कि इसका साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है कितना, 6 है। तो फ्रेंड्स इसका एक अलाउबल रेंज दे देता है कि हम लोग का सीओसी अगर 3.5 to 5.5 के बीच में रहेगा तो यह बेस्ट ऑपरेशन है, इसके चलते हम लोग का कंडेंसर पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं फ्रेंड्स इतना सीओसी मेंटेन करने का। तो देखो सीओसी कितना आ गया, 6 आ गया, जबकि अलाउबल कितना है 3.5 से लेकर के 5.5, यानी यहां पे 0.5 सीओसी हम लोग का क्या है, ज्यादा है। तो फ्रेंड्स इस सीओसी को मेंटेन करने के लिए, इतना मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग ब्लो डाउन करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, हाई कंसंट्रेटेड वाटर है, तो हाई कंसंट्रेटेड वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लो डाउन कर देते हैं, यानी नीचे ऐसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ब्लो डाउन करेंगे तो इसका लेवल डिक्रीज होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन का वाटर बाहर निकल जाता है और यहां से हम लोग लोअर कंसंट्रेशन यानी कि फ्रेंड्स मेकअप वाटर यहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो लो कंसंट्रेशन का जैसे यहां पे वाटर आएगा तो इस वाटर का जो पैरामीटर है, जो टीडीएस है, जो हम लोग का टीडीएस है, कंडक्टिविटी है, पीएच है, वह सारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेंटेन हो जाएगा और इस अलाउबल रेंज में आ जाएगा, जो कि हमारा कंडेंसर के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस सीओसी को आप केवल टीडीएस से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और भी इसके पैरामीटर है, जैसे हमारा क्लोराइड है, सिलिका है, इसको भी टेस्ट करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो मेकअप वाटर का जो सिलिका होगा, जो क्लोराइड होगा, वह क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा, और जो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इसका जो सिलिका है, टीडीएस है, जो क्लोराइड है, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स आप इसका भी पैरामीटर चेक करके इससे भी आप सीओसी निकाल सकते हैं, यानी यहां पे आप लिख दीजिए क्लोराइड ऑफ कूलिंग वाटर और क्लोराइड ऑफ मेकअप वाटर, आपको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि सीओसी कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।